छोटू काका। अरे वाह, आ गए सेठ जी। ये क्या पहना है आपने? सेठ जी, इसे रेनकोट कहते हैं। अरे वो मुझे दिख रहा है। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? अरे गोडाउन में रेनकोट पहन के क्यों काम कर रहे हैं? लीकेज की वजह से। ओहो, मतलब अभी तक आपने डमर वाले को बुलाया नहीं है? बुलाया है, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। डमर वाले की अपॉइंटमेंट? हाँ, तो बारिश के मौसम में वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। अरे नट्टू काका, वो डामर वाला आपको चुना लगा रहा है। दुनिया में एक ही डामर वाला? अरे किसी दूसरे डामर वाले को पकड़ के लेके आओ। अरे ये दूसरे वाला ही है सेठ जी, पहले वाला तो बहुत पैसे मांग रहा था, फिर ये दूसरा मिला दलपत भाई, उसका भाव एकदम रिजनेबल है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट 3 दिन के बाद मिली है। मतलब 3 दिन तक मुझे छाता लेके इधर बैठना पड़ेगा काम करने के लिए? हाँ सेठ जी, अगर आपको पूरी दुकान और पूरे गोडाउन में से सिर्फ यहीं पे बैठ के काम करना है ना, तो छाता लेके बैठना ही पड़ेगा। सेठ जी, फोन है। हाँ ले रहा हूँ भाई, ले रहा हूँ। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। तू बाकी रह गई थी, अभी तू भी बोल। सेठानी जी है ना? काम करो ना भाई, अपना काम करो ना। ये मौनी बाबा, बोलना भाई, फोन क्यों किया है? हाँ टप्पू के पापा, आप जल्दी से नट्टू काका के हाथों एक लाल साड़ी, हरी चूड़िया और सिंदूर की डिब्बी भिजवा दीजिए। अरे नट्टू काका को इधर बहुत काम है दुकान में। तू और ये बताइए, लाल साड़ी, हरी चूड़िया, सिंदूर, ये सब क्यों चाहिए तुझे? कोई मार्केट में नया व्रत बताया है क्या? नहीं नहीं, कोई व्रत नहीं आया है। तो देखिए, आपके और बापूजी के पीछे सफेद साड़ी वाली औरत पड़ी है ना, उसकी अतृप्त आत्मा को शांत करने के लिए मेरी माँ ने एक टोटका बताया है। अरे भाई, ऐसे कोई टोटके बोटके से भूत भागते नहीं है। और मेहता साहब ने क्या कहा? यह सब दिमाग का भ्रम है, बुरा सपना समझ के भूल जाने का। नहीं, टप्पू के पापा आप भूल सकते हो, लेकिन मैं, यानी कि दया टप्पू के पापा गड़ा, एक पतिव्रता स्त्री, ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकती। अगर कोई बुरी आत्मा, भूत, प्रेत या चुड़ैल मेरे सुहाग या मेरे घर के किसी भी सदस्य पर बुरी नजर डाले, ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इसलिए आप जल्द से जल्द नट्टू काका के हाथों ये सब सामान भिजवा दीजिए। एक मिनट, तो ये सारी चीजों से क्या करने क्या वाली है? अगर मैंने टप्पू के पापा को सच बता दिया तो वो मुझे थाली नहीं रखने देंगे। बोल। वो क्या है, मेरी माँ ने कहा है कि ये सारी चीजें किसी औरत को दान कर दो, इसलिए मंगवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं मंगा के भिजवा देता हूँ। सेठ जी, कोई भूत प्रेत का चक्कर है? काम कीजिए ना अपना। बोलिए सेठ जी, डरिए मत। मैं डरता नहीं हूँ, मैं कभी किसी चीज से डरता नहीं हूँ, मैं बचाव का भाईड़ा हूँ। तो फिर बोलिए, बात क्या है? बोलिए बोलिए। अरे कल रात को मैं दुकान से घर जा रहा था, तो रास्ते में एक सफेद साड़ी वाली औरत मुझे मिली। वो मुझसे कुछ एड्रेस पूछ रही थी। ये घोड़ बंदर के दर। फिर अचानक वो गायब हो गई। गायब हो गई? तो सेठ जी, जरूर कोई भूतनी होगी। ये पता नहीं वो क्या थी, लेकिन वही औरत फिर बापूजी को सोसाइटी के कंपाउंड में दिखी, तो दया जरा डर गई है। डरिए मत सेठ जी, मेरे पास इसका एक रामबाण इलाज है। जब भी हमारे उढ़ाई गांव में अतृप्त भटकती आत्मा किसी को नजर आती थी, तो सारी औरतें इकट्ठा हो जाती थी, काली साड़ी पहन के, हाथों में कपूर के जलते दिए लेकर, पीपल के पेड़ के आसपास गरबा गाती थी। भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे, 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 भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे। Oh, my God.
ये क्या कर रहे हैं आप? डर गए सेठ जी। चाहिए वो दया ने जो सामान मंगाया लेकर आइए। जी सेठ जी।